वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल वी सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड नंबर मॉड्यूल नंबर 207 के साथ। MS वर्ड को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि हमने एक जो पेज बनाया है उस पर कैसे डिफरेंट लेआउट्स सेट करनी है, कैसे हमारा जो ग्रुप डाटा है उसको कैसे हमने अरेंज करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी मज़ीद नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन इजीली आप लोगों तक पहुंचता रहे। हमारे पास जो है अरेंज ग्रुप है, ये हमें अवेलेबल होता है ड्राइंग टूल्स पे, ठीक है, ड्राइंग बार पे। अब यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे होंगे और आइकन्स का नेम ऐसा होता है कि हम उनको उनके नेम से आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास ये टूल्स किस लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास था सीज़र का सिंबल है, तो सीज़र का सिंबल कट करने के लिए हमारे पास होता है। ये डिफरेंट आप लोगों को नज़र आ रहा है। पोजीशंस है, तो ये पोजीशंस किस लिए होता है कि आपने जो है एक डाटा है आपका और आप चाहते हो उस डाटा को आप जो है मूव करना, आपने उसको नीचे को मूव करना है, ठीक है, डाउन करना है, अप करना है, या कोई पिक्चर है या कोई टेबल है आपने उसको जो है उसकी पोजीशन चेंज करनी है। फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ पोजीशंस टूल। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रैप टेक्स्ट। अब रैप टेक्स्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, मेरे पास ये जो है बात लोगों में होता है, हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो हम एक होता है लाइन में, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो है टेक्स्ट रोटेट करे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये आप लोगों को टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास ये इस टाइप का, अगर आप चाहते हो कि टेक्स्ट की इस शेप में हो, ठीक है, कि आपका टेक्स्ट इस डिफरेंट जो है शेप्स में हो, सर्कुलर शेप में हो, हाफ सर्कुलर शेप में हो, या नीचे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स हमें अवेलेबल जो है ये यहाँ पे जो है मुयस्सर हमें ये होती है मौजूद होती है, ठीक है। ये हमें रैप टेक्स्ट में मिलती है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो टॉप डाउन लिस्ट होगी ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और आपने देखना है कि आपको 3D में चाहिए है, ट्रांसफॉर्म में चाहिए, किस टाइप में आपको शेडो में चाहिए या इसका रिफ्लेक्शन चाहिए है, तो इसके लिए जो है हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड। आपने एक जो है इसी के जो है अगर आप लोग देखें तो ये साथ में ब्रिंग फॉरवर्ड है। आप चाहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, सेंड बैकवर्ड करना है, एक टेक्स्ट है या पैराग्राफ है उसको आपने डिफरेंट पोजीशंस में फॉरवर्ड करना है, ठीक है। फॉरवर्ड आपने करना है जो है फ्रंट पे करना है या बैक में करना है, किस शेप साइड में आपने करना है। फॉर दैट पर्पज़ वी यूज्ड ब्रिंग फॉरवर्ड जो है आइकन को हम लोग इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शंस पैन है, ठीक है। सिलेक्शंस पैन में हमारे पास क्या है, ये हमें डिफरेंट अलाइनमेंट्स देता है। अलाइनमेंट में हम लोगों ने पहले भी इसको देखा हुआ है, आपका एक टेक्स्ट है उसको आपने अलाइन करना है, मीन के आपने उसको जो है मिडल में लेके आना है या आपने उसको लेफ्ट में लेकर आना है, आपने राइट में लेके आना है, उसको हॉरिजॉन्टली लेकर आना है या वर्टिकली लेकर आना है। फॉर दैट पर्पस वी यूज दिस आइकन, ये अलाइन आपको नज़र आ रहा होगा इसके लिए, ठीक है। अब मेरे पास होता है कि हम लोगों ने एक पिक्चर लिया है, पिक्चर को आपने डिफरेंट साइड में रोटेट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आपकी पिक्चर है उल्टी है तो आप उसको रोटेट करोगे तो वो सीधी हो जाएगी, और अगर आपके पास जो है सीधी है आप उसको तिरछा करना चाहते हो, मीन कि आपने उसको रोटेट करना है, और ये रोटेशंस हमारे पास सर्कुलर में होती है। आप उसको जिस भी एंगल में रोटेट करना चाहते हैं, ये रोटेट आइकन ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन टूल पे ही है। यहाँ पे हम लोग इसको जो है रोटेशंस पे जो है अप्लाई करके अपने डाटा को आगे पीछे जो है रोटेट कर सकते हैं।
ग्रुप है, ग्रुप कहता है कि इस पर ये ड्रॉप डाउन जब होगा तो ये क्या करता है, हमारे डाटा को ग्रुप कर सकते हैं, रीग्रुप कर सकते हैं या फिर अनग्रुप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप इसको अपने डाटा पे अप्लाई नहीं कर सकते। एक दफ़ा आप इनको अप्लाई कर दें, याद इसमें करने वाला कुछ भी नहीं है, ये सारा प्रैक्टिकली वर्क है, याद आपने कुछ भी नहीं करना है, एक दफ़ा अपने हाथ से गुजार लेंगे तो आई थिंक सो कि आपका ये जो 34 या जो है 45 के अराउंड अबाउट जो आपकी स्लाइड्स हैं ये कवर हो जाएंगी। ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हमें आइकन्स दिए जा सकते हैं और कहा जा सकता है कि इसका पर्पस लिखें, या हमें जो है ऊपर जो है इसका फंक्शनैलिटीज या इसका टास्क दे के और इसका नीचे लिखा जा सकता है कि आप इसका आइकन बताएं। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए वी यू फॉर ऑलवेज। सुमेरा अल्लाह हम सब का हामी नासिर।